शुरू हुआ कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान। पूर्व विधायक दीपक सक्सेना के साथ कांग्रेस पदाधिकारी उतरे मैदान में। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की देशव्यापी हड़ताल का व्यापक असर, थमे ट्रकों के पहिए। पुलिस लाइन में थाना प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न, शामिल हुए 3 जिलों के एएसआई और हवलदार। और प्रतिबंध के बावजूद जारी है मत्स्याखेट, खुले में बिक रही प्रतिबंधित मछलियां। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूँ प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली हैं। प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने भी जनसंपर्क का दौर शुरू कर दिया है। इस क्रम में आज पूर्व विधायक एवं मंत्री दीपक सक्सेना ने परासिया रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस सघन जनसंपर्क के दौरान पूर्व विधायक दीपक सक्सेना के साथ नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन वानखेड़े सहित कांग्रेस पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय गणमान्य जन मौजूद थे। राहुल जी खिलाड़ा भी हम लोग का साथी रहे हैं। गाड़ी चला रहे थे, बहुत किस्मत की मेहरबानी है। गाड़ी लेकिन वो तो किस्मत ऐसी दोनों एयरबैग खुल गए गाड़ी के, मेहरबानी से लाया। अभी बताया तो मैंने कहा मिल के जाऊंगा आपसे वो जल्दी। रामी जी को ही जल्दी और मदद सर बड़ी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, जनता के बीच में जाके जो जनता को परेशानी आए और आने वाले समय में कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बने, यही सबसे चर्चा कर रहे हैं। और पब्लिक सब बदलाव चाह रही है। जो आज भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही, घोषणाएं बहुत हो रही है लेकिन वास्तव में धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सारी वास्तविकता का जनता को बता रहे हैं और जनता खुद समझ रही है। आने वाले समय में जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बने, यही इसलिए हम सबसे सहयोग मांगने आए। क्या लगता है दिखावा है या फिर योजनाएं? उन्होंने करीब 2200 घोषणाएं करी है, 22,000 और 700 पे काम हुआ है, बाकी घोषणाओं में कुछ नहीं हुआ। चुनाव के पहले शिवराज सिंह जी लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। सारी योजनाएं जो कांग्रेस की थी, दिग्विजय सिंह जी की थी, वही की वही चल रही है। आप खुद देख लीजिए 14 साल में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दी क्या। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं के साथ बलात्कार की बात हो, किसानों की आत्महत्या की बात हो, हर स्तर पर महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम लोगों को जीना मुश्किल हो गया। और बिना पैसा दिए किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं कोई काम नहीं आ रहा, प्रशासन नाम की कोई चीज़ बची नहीं। यही सब मुद्दे जनता के सामने और जनता खुद महसूस कर रही है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज जिले के राजस्व अधिकारियों को भू अभिलेख के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दरअसल राज्य में कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन सेवाओं को सुगम बनाने के लिए शासन द्वारा लगातार इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर एडीएम कविता बाटला, एसडीएम, तहसीलदार एवं जिले के विभिन्न हलकों के पटवारी मौजूद थे। पहले से चल रहा है, उनका फ्रेमवर्क पूरा तैयार हो चुका है।
वो हो जाने से क्या होगा, जिन पटवारियों को कुछ नहीं आता है चलाना कंप्यूटर, वो भी सब चलाना सीख जाएगा ना, बोलते करना है उधर रिकॉर्ड रखा अपना बोलते अपडेट कर देंगे। नहीं आप जो बात कह रहे हो सही है, कोई उसमें मैंने टेक्निकली कोई गलत नहीं है, है एक टेक्निकल फिजिबिलिटी है उसकी, पर आज की डेट में वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि वो जो आप एप्लीकेशन जो सर्वेट्स चलाने की बात करोगे, हमारा पटवारी अभी बेसिक चीज़ें तो सीख ले पहले, हम पहले उसको वो तो सिखा दे, उसके बाद वो सर्वेट्स चलेंगे, वो हाईली टेक्निकल वो चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल ग्लिच आएंगे, आपका सर्वर अनस्टेबल होगा, लोड ज़्यादा होगा, अभी हमारा सर्वर पहले भी आपने देखा होगा 6 महीने पहले बहुत हैवी लोड आना शुरू हो गया था, जिसके कारण वो हैंग हो जा रहा था बार बार, आईडी लॉग आउट हो गई, ये इश्यूज थे। मैं तो फील्ड में जो वर्क हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें जो सरलीकरण होगा उस बात को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जो आपको भी बेसिक प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि हमारा अभी जो एप्लीकेशन है वो इनिशियल लेवल पे है सारी चीज़ें, उसको अभी हम उसको डालेंगे तो जो पहले जी उसके पीछे इशू ये ही है कि ना पटवारी ट्रेंड है, या तो पहले पटवारी को पूर्ण रूप में ट्रेंड करना है। नहीं, ट्रेनिंग चल रही है, हर तहसील में हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। रक्षित पुलिस लाइन में आज थाना प्रबंधन की बारीकियों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय विशेषज्ञ अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा तथा सिवनी जिलों के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हवलदारों को थाना प्रबंधन की बारीकियों से अवगत कराया गया। थाना प्रभारी अपनी कार्य सूची में जो आपका ओपन करते ना ऑनलाइन, उसमें मिलेगा, तो वो जो थाना प्रभारी है वो अपने विवेचक को एक आईओ नियुक्त कर देंगे, और वो आईओ उसकी या तो बीसीएम भी देख के या वो जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पे जाके ये तस्दीक कर सकते हैं कि वाकई वो बिजनेसमैन है या कोई आरोपी है या उसके विरुद्ध कोई अपराध तो नहीं है, है ना। तो वहाँ से वो जैसे ही अपनी टिप्पणी लिखेंगे तो आपके पास थाना प्रभारी के पास वो मैसेज आ जाएगा कि स्थायी थाना प्रभारी ने क्या टिप्पणी लिखा है। अगर वो लिखते हैं कि हाँ ये सस्पेक्ट है, तो सस्पेक्ट है तो इसके विरुद्ध कोई अपराध होगा, तो वो जो अपराध होगा वो स्कैन कॉपी भी उसमें अपलोड कर देंगे, इसके विरुद्ध सन 2005 में, 7 में, 8 में, क्योंकि 2005 से लेके 2014 का जो डाटा है वो पूरा जराइम स्कैन होके सीसीटीएनएस में डाल चुके हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अपराधियों की जानकारी आपको मिल जाएगी। थाना प्रबंधन का कोर्स है जिसमें 3 जिले के मतलब ASI लोग आते हैं, जिनको थाना प्रबंधन के बारे में बताया जाता है। तो अभी जो पीरियड चल रहा है उसमें CCTNS के बारे में इनको पूरी जानकारी दी जा रही है, कैसे FIR भरना है, जांच कैसे करना है, अपना पंजीकरण का पूरा मतलब उनको CCTNS के बारे में बताया जा रहा है। कितने दिवसीय है ये? 23 से 27 तक चलेगा, पूरे जिले पर, 3 जिलों का, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये 3 जिलों को मिला के 23 से लेकर 27 तक चलेगा। कितने लोगों को दिया? 20 लोगों को दिया। शहर में एक बार फिर चोरों के हौसले बढ़े दिखाई दे रहे हैं। 23 तारीख की रात इतवारी बाजार में एक जनरल स्टोर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 12,000 रुपए नगद और सामान पर हाथ साफ किया। तो मेरी बात सुनो, क्या होता है जैसे 3-4 दिन से आदमी आ रहा है, आ रहा है, सामान नहीं ले रहा है, मतलब मैंने रात को लगभग 9:30 बजे दुकान बंद करा, और फिर सुबह मेरे दोस्त ने जिम जा रहा था तो दुकान देखा, तो आधी सटर खुली थी दुकान की, वो देखा, फिर मैं आया तो देखा मैंने तो पूरा डब्बा बस अभी यहाँ पड़ा था जिसमें पैसे रखते हैं, लगभग 10-12 हज़ार रुपये चोरी हुई है, सामान जैसा का वैसा ही है, तो पैसे वसूली हुए।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा सरकार की नीतियों के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर छिंदवाड़ा में भी देखा जा रहा है। ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं, जिसका असर व्यापार व्यवसाय में पड़ रहा है। हम लोगों की जो हड़ताल है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के तत्वाधान में दिनांक 20 तारीख से 20 जुलाई से चालू है, उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं डीजल पेट्रोल के दाम सरकार से कम करने के लिए, टोल टैक्स खत्म करने के लिए, थर्ड पार्टी प्रीमियम जो है वो जो बढ़ाया गया उसको वापस लेने के लिए, और TDS जो कट रहे हैं, और कंप्रेसिव बीमा जो होता है उसमें जो कमीशन लगती है एजेंट की, वो कमीशन खत्म होना चाहिए। एजेंट के माध्यम से जो कमीशन डिस्काउंट मिलता है ना, वो पार्टी को मिलना चाहिए। और GST में की जो 44 की धारा है उसमें संशोधन होना चाहिए। ई-वे बिल में थोड़ा सा सरलता आना चाहिए। ई-वे बिल का बहुत ज़्यादा मतलब वो प्रॉब्लम आ रहा है। मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है। इस क्रम में कर्मचारियों ने आज धरना आयोजित कर जोरदार प्रदर्शन किया। यह कर्मचारी अपने वेतन संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अपने शासन के द्वारा 30 वर्ष तक लगातार लड़ाई लड़ी साथियों, हम चाहते हैं कि ऐसे उम्र भरे माहौल को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक नारा जरूरी है, कर्मचारी एक का, कर्मचारी एक का, लिपिक 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 लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे। अरे अभी तो लड़ाई है, अरे अभी तो लड़ाई है, आवाज दो आगे हो तो देख लो, आगे हो तो देख लो। साथियों निश्चित रूप से भाइयों आवाज दे जरूर है, चिंता करना जरूरी है, उन्हें निकल के नहीं आ पा रहे हैं भैया। हमारा क्या होगा? मध्य प्रदेश लिपिक शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष माननीय मनोज नायक, संरक्षक माननीय सुधीर नायक जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश पर अपनी वेतन विसंगतियों को लेकर 23 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल को प्रारंभ किया गया है। इसी के तारतम्य में छिंदवाड़ा जिले के समस्त लिपिक भाई, समस्त 50 विभागों के लिपिक अपने वेतन विसंगति के मामले में आज से 23 तारीख से अपने हड़ताल पर रवाना हुए। जिले में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के बावजूद प्रतिबंधित मछलियों की बिक्री सरेआम देखी जा सकती है। बकायदा बाजार में प्रतिबंधित मछलियों का बिकना साफ करता है कि तमाम दावों के बावजूद मत्स्याखेट जारी है। फ्लाई एस ब्रिक्स निर्माण के कार्य में लगे हुए इस लघु उद्योग से अपना जीवन यापन करने वाले उद्यमियों और कामगारों ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर रॉक द्वारा ईंट बनाए जाने के इस उद्योग के संरक्षण की मांग की है।
यदि आप कम रेट में देंगे तो कोई मना थोड़ी करेंगे सर, हमारी ईट सब लाल ईट की तुलना बहुत कम पड़ती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो आप सारे जो जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है सब यही इस्तेमाल कर रहे हैं, यही पता है। लेकिन यदि आप संबंधित आवेदक को बोलेंगे कि भैया इसमें कोई बचत तो मना थोड़ी करेगा, पूरा क्या देखो एक घर में लगाना चालू किया मतलब वो तो 10 घर में चालू हो जाएगा। ये डर है कि हमारा पेमेंट रुक जाएगा। नहीं है सर, चलो इसमें मैं करता हूँ और इसमें प्लानिंग करके आपको बताता हूँ। जी, इसमें किसी का मोबाइल नंबर लिखा है? नंबर लिखे हैं ना? चलो आज शाम को मेरे एक बार फोन करा, ये आवेदन मेरे पास एक नंबर हम सभी लोग जमाई मित्रगण हम सब लोग आए हैं। हम लोग फ्लाई ऐश जो एक चूल्हे की राखड़ से बनती है और जो कि पर्यावरण मित्र श्रेणी में आती है उसका हम लोग निर्माण करते हैं और गवर्नमेंट और सरकार जो एनजीटी है ये सारी चीज़ ये जो संस्थाएं हैं ये इसको बढ़ावा दे रही हैं कि इस ईंटों को लगाया जाए जिससे कि पर्यावरण की रक्षा हो। इसका कारण ये है कि जिसपे जो सामग्री यूज़ होती है खासकर ऐश राखड़ वो इतनी मात्रा में प्रदेश बल्कि पूरे देश में इतनी हो रही है कि वो राखड़ जब उड़ती है तो वो नुकसान करती है। तो गवर्नमेंट ने इसका ये सर्कुलर निकाला है कि इस राखड़ को यूज़ किया जाए और इस राखड़ से बनने वाले जितने भी उत्पादन हैं उनको प्राथमिकता के साथ गवर्नमेंट एवं सरकारी अनुदान से प्राप्त मकान सड़कें जो बन रही हैं उसमें उपयोग किया जाए। तो इसी सिलसिले में हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है कि इस फ्लाई ऐश ब्रिज जो बन रही है इसका उपयोग हर जगह किया जाए क्योंकि हम लोग ने काफ़ी मात्रा में इसको पैसा लगाया है और काफ़ी मात्रा में उद्योग लगे हुए हैं और हमारे एक 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 फैक्ट्री से कम 20 से 25 परिवार को रोज़गार मिलता है और ये ईंटे के उठावन होने के कारण हमारे जितने भी व्यवसाय हैं बंद होने कगार पे हैं जिससे कि हमारे पास जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमने कमिश्नर साहब से ये निवेदन किया है कि इस पे और उनको ज्ञापन दिया है कि इस जो फ्लाइश ब्रेक है उसको उपयोग में लगाने की कार्रवाई की जाए। क्या है कि ये छोटे छोटे मकान जो बन रहे हैं 2.5 लाख रुपये के इनको जो हितग्राही लोग हैं इनको एक शंका है कि ये ईंट नहीं लगाई जाए और कुछ इंजीनियर्स लोग इसको मना कर रहे हैं पर ऐसा नहीं है। ये ईंट से बहुत फ़ायदे भी हैं, इसमें ये ईंट लगाने से एक तो पर्यावरण का भी फायदा है और इसमें हितग्राहियों को भी कम से कम 30-40% सीमेंट और रेत की बचत होती है। जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रत्येक मंगलवार की तरह आज भी डीएम कोर्ट में जन सुनवाई की गई। डीएम कोर्ट में संपन्न जन सुनवाई में सीईओ जिला पंचायत रोहित सिंह ने आवेदकों की समस्याओं को संजीदगी से सुनते हुए निराकरणात्मक निर्णय लिए। चलो बेटा चलो आखिरी जमीन।
اہل سنت والجماعت کمیٹی مدرسہ داؤل علوم قادریہ چشتیہ کے تتواودھان میں حج یاتریوں کو پرشکشن پردان کیا گیا۔ اس موقع پر حج یاتریوں کو ناگپور سے آئے علماؤں دوارا ضروری اراکان کی جانکاری پردان کی گئی۔ اب یہ سمجھ لیں میرے سائز کے لیے ٹھیک ہے اور ہم اس کو یہاں پر پہنچ بھی سکتے ہیں تو یہ ہمارا احرام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب اگر بل فرض ہمارا یہ احرام چھوٹا ہوگا تو پھر پیچھے سے ہمارا غلط رہ جائے گا، تو اتنا محسن احرام کا ہونا چاہیے، چادر کی کمی ہونی چاہیے کہ وہ یہاں تک آ سکے۔ تو یہ احرام پہننے کا طریقہ تھا، کوئی ڈفیکلٹ نہیں ہے جی، نہیں تو غلط نہیں کپڑے پہنے ہیں نا، تو یہ آپ کے اس طرح نارملی کا آپ کے لباس تو نہیں ہونا نیچے نہیں ہو رہا۔ اب جیسے میرے اسٹوڈنٹ نے یاد دلایا ہمیں کہ صرف یہ بڑا مسئلہ ہے، کچھ حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ پورا احرام سفر میں ہمیشہ سیدھا نامہ کھلا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ صرف احرام میں جب طواف اور سات چکر میں طواف کے کریں گے اس کے بعد پھر احرام کو صحیح کرنے کے یعنی پورا کرنے کے بعد نماز وغیرہ میں آپ کا سینہ وغیرہ چھپا ہے۔ اچھا یہاں احرام میں ایک بڑا پیارا طریقہ ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ تو احرام پہن کے نماز پڑھیں گے تو اگر جس طرح نارمل ہوا وہ اوپر کہتے ہیں، اس طرح کہیں گے تو سینہ اور پیٹ چونکہ پہلا تو کچھ نہیں ہوگا یہ ظاہر ہو جائے گا، یہ بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے نا، سینہ اور پیٹ آپ کا باہر آ گیا ہے، اللہ اکبر، آپ کا سینہ اور پیٹ ہے وہ چھپا رہا اور آپ نے اپنی نماز میں شروع کر لی۔ دوبارہ طریقہ اللہ۔ ان تمام خبروں کو جاننے کے لیے آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں سرخیوں پر۔ یہ تھی سٹی ہلچل کی سرخیاں، آپ دیکھتے ہیں کچھ خاص خبروں کو ہیڈ لائنز میں۔ شروع ہوا کانگریس کا جن سمپرک ابھیان، پورو ودھائک دیپک سکسینہ کے ساتھ کانگریس پدادھیکاری اترے میدان میں۔ آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کی دیش ویاپی ہڑتال کا ویاپک اثر، تھمے ٹرکوں کے پہیے۔ پولیس لائن میں تھانہ پربندھن پرشکشن کارشالا سمپن، شامل ہوئے 3 جلوں کے اے ایس آئی اور حوالدار۔ اور پرتیبندھ کے باوجود جاری ہے متسیا کھیٹ، کھلے میں بک رہی پرتیبندھت مچھلیاں۔ سٹی ہلچل کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، نمسکار۔